सब्सक्राइब करिए मिस्टीरियस अर्थ हिंदी को और बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सिनेमाघर में मूवीज देखना किसे पसंद नहीं होगा। कोई भी नई मूवी आते ही हमारे मन में एक अजीब सा उत्साह जाग जाता है उस मूवी को सिनेमाघर में देखने के लिए। सिनेमाघरों में फिल्म देखने का उत्साह इतना ज्यादा होता है कि बहुत से चीजें अनदेखी रह जाती है। अपने फेवरेट स्टार को बड़े पर्दे पर देखते हुए बहुत सी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हमारी नजरों से बचकर निकल जाती है। यूं कहें कि रंगीन पर्दों की दुनिया में सब कुछ खो सा जाता है। हम सिनेमाघरों में जाते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं और फिल्म देखकर वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें भी होती है सिनेमाघरों में जो हमारी नजरों से बचकर निकल जाती है, जिसपे हम ध्यान नहीं देते। तो आइए जानते हैं सिनेमाघरों का वो काला सच जो दुनिया नहीं जानती। सिनेमाघर साफ सुथरा दिखता तो है लेकिन रहता नहीं। बाहरी चकाचौंध में हम फंसे रहते हैं और देख नहीं पाते हैं कि सिनेमाघर अंदर से कितना गंदा है। एक के बाद एक शो चलाकर कमाई करने के चक्कर में सिनेमाघर साफ सफाई से वंचित रह जाता है। सिनेमाघर के कर्मचारियों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वह इसकी सफाई ढंग से कर सके। रात के वक्त जब कोई शो नहीं होता तब इसकी हल्की सफाई की जाती है जो नाकाफी होता है। हॉल की तेज आवाज आपको बहरा बना सकता है। आजकल सिनेमाघरों में जबरदस्त साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इन साउंड सिस्टम की आवाज कई बार इतनी तेज होती है कि आपके कानों पर बुरा असर डालती है। खासकर एक्शन वाले सीन में इसकी आवाज बहुत जोर से आती है जो कान के लिए ठीक नहीं होती। मेल फीमेल एस्कॉर्ट मिल सकते हैं सिनेमा थिएटर के बाहर। आपको शायद पता नहीं होगा पर यदि आप कोई मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते हैं और यदि आप अकेले हैं तो आप अपने साथ मेल फीमेल एस्कॉर्ट को लेकर थिएटर के अंदर जा सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि मूवी चलने के दौरान बहुत से कपल्स सेक्स करते हुए पाए गए हैं। फिल्म देखते वक्त पॉपकॉर्न खाना हम प्रेफर करते हैं। यदि हम ये सिनेमाघर से लेते हैं तो हमें दुगनी दाम देनी पड़ती है। सिनेमाघरों में खाने पीने की चीजें महंगी होती है जो अक्सर हमारी जेब ढीली कर देती है। सिनेमाघर वालों की नजरें होती हैं आप पर। कॉर्नर सीट पर बैठकर इश्क फरमाने वाले कपल को समझना चाहिए कि बेशक आप अंधेरे में बैठे हों पर हॉल में लगे खुफिया कैमरे आप पर नजर गड़ाए हुए होते हैं। इसीलिए लोगों को कोई भी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए हॉल में। पॉपकॉर्न की खुशबू क्यों होती है अलग? सिनेमाघरों में मिलने वाले पॉपकॉर्न की खुशबू कुछ ऐसी होती है कि न चाहने के बावजूद आप इसे ऑर्डर कर ही देते हैं। इसके लिए सिनेमाघर वाले अपनी खास रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ग्राहकों को इसकी तरफ लुभा सके। कॉम्बो डील लगाते हैं जेब में सेंध सिनेमाघरों तक खींचने के लिए। बेशक वो कॉम्बो डील जैसे कई लुभावने ऑफर देते हैं, सच्चाई ये है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। सभी चीजों को अलग अलग खरीदकर आप कॉम्बो डील से ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। हर बार पॉपकॉर्न नहीं रहते फ्रेश। दिखने में बेशक ये पॉपकॉर्न फ्रेश लगते हैं पर असलियत ये है कि ज्यादा बने हुए पॉपकॉर्न को कर्मचारी प्लास्टिक की थैलियों में बांध कर रख देते हैं जिन्हें अगले दिन दोबारा गर्म करके बेच दिया जाता है। कुर्सियों के नीचे कबाड़ होता है। हम जो फिल्म देखते हुए जो खाते पीते हैं वो सभी वेस्टेज नीचे फेंकते जाते हैं जो कुर्सी के नीचे दबा रह जाता है। सफाई में कमी होने पर ये जमा होते जाता है। वैसे भी जहाँ तहाँ फेंकने से बेहतर है कुर्सी के नीचे ही फेंके, इससे कचरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।